सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ। दोस्तों, वजन घटाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, एक्सरसाइज, डाइटिंग, बट वजन है जो घटने का नाम नहीं ले रहा है और ये सब करने के बाद अगर घट भी रहा तो कितना लंबा पीरियड ले रहा है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि आप एक वीक में, जी हाँ एक हफ्ते में अपना वजन 1 से 2 केजी कम कर सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? सपना लग रहा है ना? जी नहीं, सपना नहीं, बिल्कुल सच है। जी हाँ, आप अपना वजन कुछ खा के, जी हाँ खा के एक हफ्ते में 1 से 2 किलो घटा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल बटन पर जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ खा के आप अपना वजन घटा सकते हैं, तो खाना क्या चीज है? जी हाँ, मैं आपको एक सैलेड के बारे में बताऊंगी जिसे खाकर आप अपना 1 से 2 किलो वजन एक हफ्ते में लूज कर सकते हैं। तो वो सैलेड बनाना कैसा है ये मैं आपको बताती हूँ। उस सैलेड के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो चीजें हैं, पहली चीज है सोयाबीन। ये हाई प्रोटीन होता है, इसमें बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो सबसे पहली चीज है सोयाबीन और दूसरी चीज है हमारी चना। ये आसानी से आपको अपने घर में मिल जाएगा चना। और जो तीसरी चीज है वो है मूंग की दाल। जी हाँ, आपको खड़ी मूंग की दाल लेनी है, वो वाली दाल नहीं लेनी जो बनाते हैं हम लोग, हमको खड़ी मूंग की दाल लेनी है। अब इन तीनों चीजों को, मूंग, चना और सोयाबीन, आप इसको ओवरनाइट पानी में रख के भिगो दीजिए और जब ये सुबह फूल जाएगा तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आप अगर सुबह भिगोएंगे तो आपको शाम को यूज में कर लाना है और अगर आपको रात में भिगोएंगे तो फिर ये आपको सुबह तक आपके खाने लायक हो जाएगा। इन सब में बहुत ही हाई प्रोटीन है, बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के मोटापे को बढ़ाते हैं। जो प्रोटीन है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हम जब वजन लूज करते हैं अपना तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको खाने के बाद आपको कोई भी किसी तरह की कमजोरी नहीं लगेगी, आप इसको खाने में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब आपको इसको बनाना कैसे, इसे मजेदार कैसे बनाना है, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आपको इसमें टेस्ट लाना है तो आपको इसमें क्या क्या चाहिए होगा मैं बताती हूँ। इसको बनाने के लिए, इस सैलेड को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें हम डालेंगे खीरा। आसानी से आजकल हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि आजकल गर्मियां चल रही है तो ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे इस सैलेड में अपने खीरा और खीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और धनिया। टमाटर भी हम लोगों का वेट लूज करता है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसमें हम डालेंगे टमाटर और धनिया। ये देखिए, अब हमने इसमें खीरा डाल लिया है, टमाटर डाल लिया है, धनिया डाल लिया और इसमें और टेस्ट लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा प्याज मिक्स कर देंगे। जितना आपको चाहिए आप उतना डालिएगा। और आप इसमें से अगर कोई चीज नहीं पसंद है तो, मतलब कि जो मैंने ऊपर से सैलेड में डाली है, अगर इसमें से कोई चीज नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस आपको जो तीन चीजें पहले की ली हैं आपने, सोयाबीन, चना और मूंग की दाल, ये जरूर आप रखिएगा बाकी आपके टेस्ट बनाने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस और अब इसमें हम मिलाएंगे ब्लैक साल्ट। आप चाहे तो आप सी सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं, आपको जो सा सॉल्ट पसंद हो आप वो डालिए। मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। तो देखिए, कुछ बनने के बाद, सब कुछ पड़ने के बाद ये ऐसा है। अब इसको मैं मिक्स करके बताती हूँ मिक्स करके कैसा आपको। अब जो हम लोग ने सैलेड बनाया है वो दिखने में कैसा लगेगा, वो इस तरीके का दिखेगा आपको। लग रहा है ना यम्मी?
खाने में भी उतना ही यम्मी है। ये आपको अपनी भूख के अनुसार जितना आप खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बनाना है, लेकिन इतना खा लीजिएगा कि आपका पेट भरा भरा सा लगे, तो आप आसानी से ये बना सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी गैस के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस भिगोना है, थोड़े से सैलेड काटना है और बना लेना है। अब इसे खाना कैसा है ये मैं आपको बताती हूँ। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करिए। मान लीजिए आप दो चपाती सुबह खाते हैं या दो पराठे खाते हैं। वैसे तो पराठे सुबह आप मत खाइए, क्योंकि अगर आपको वजन घटाना है तो आप पराठे ना खाइए, आप चपाती ही खाइए। तो आप अगर दो चपाती खाते हैं तो आप एक चपाती कर दीजिए और इसको बोल भर के खाइए। जी हाँ, आपको अपने नाश्ते के संग इसको लेना है। दोपहर का आप जो लंच है, आप एज इट इज जो भी खाते हैं आप खाइए, और इसको रात में आप अपने डिनर के संग स्किप कर दीजिए। बिल्कुल अपना जो डिनर है उससे रिप्लेस करके आप सिर्फ इसको खाइए। जब आप ये खाएंगे, एक तो ये खाने में बहुत टेस्टी आपको लगेगा, आपको बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। तो आप इसको डिनर में लीजिए। रोटी चावल दाल बिल्कुल मत खाइए अगर आपको अपना वजन घटाना है, आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप अपने डिनर से इसको रिप्लेस कर लीजिए और आप देखेंगे एक हफ्ते में आपको धीमे 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 करके आपका वेट आपको बहुत ही जल्दी रिड्यूस होना शुरू कर जाएगा। लेकिन हाँ, आपको इसको डिनर अपना रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब आप इसको खाएंगे और अपना रूटीन सही से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन जरूर घटेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।